इसमें मर्जेट में और एक साथ सामने आने वाला है जो रिधिमा की जिंदगी दूसरे मोड़ पर ला के खड़ा कर देगी। यस फ्रेंड्स, कल के एपिसोड में आप देखेंगे तो रिधिमा के पैर में नेस लगने के बावजूद वो उस दिया को बचने की कोशिश करती है, लेकिन इतना सारा नेल्स के दौरान उसका पैर में चोट लग जाएगी और वो अपना बैलेंस खो देगी, जो देखकर वहाँ हैरान हो जाएगी और उसे बचाने के लिए वो दौड़ते हुए सीढ़ी से ऊपर जाएगी और उसे बहुत इतनी खूबसूरत से बचा मिलेगी और एक हाथ रिधिमा को पकड़ेगी और दूसरे हाथ में वो उस अखंड दिया को पकड़ेगी, जो देखकर ईशानी कहेगी दोनों हाथों में काम करने का यही एक सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि वांस भाई लेफ्ट हैंड से जितना ज़्यादा कंफर्टेबल है राइट हैंड से उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो सुनकर एकदम हैरान हो जाएगी और वो तब सोचेगी जो लियानी का कातिल है वो भी लेफ्ट हैंडेड है, तो वांस से पूछेगी तुम लेफ्ट हैंडेड हो, तो वांस तो इंस्टेंटली जवाब दे देगी कि हाँ मैं दोनों हाथों से कंफर्टेबल हूँ, जो सुनकर रिधिमा का पैर थोड़ा जमीन खींच जाएगी क्योंकि उसे लगा था कि आर्यन लेफ्ट हैंडेड है और उसने रागिनी का मर्डर किया था, लेकिन उस लिस्ट में वांस भी ऐड हो चुका है, जो वो प्यार की इजहार वांस से करने वाली थी वो तो आप उसके और वांस के बीच में जो दूरियां खड़ी करती वो उसे कैसे पार कर पाएगी, तो माने मन सोचती है तो रागिनी का कातिल वांस भी हो सकता है, आप इससे ज़्यादा दोस्त और कोई नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आप देखने मत भूलिए, और आज का एपिसोड अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एपिसोड डाल दूँगी, आप देख लेना। इस वक्त हर रोज़ एपिसोड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।